आप देख रहे हैं अनादि टीवी, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास मंदिर की वो आधारशिला रखेंगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री का सागर आना कई मायनों में अहम है। दरअसल बीजेपी की कोशिश दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने की है। बुंदेलखंड में दलित वोटर्स 22% है। प्रदेश में कुल 17 से 18% आबादी दलितों की ही है। यहाँ करीब 64 लाख दलित वोटर्स हैं। 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें इनके लिए सुरक्षित हैं और इनमें से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीट तो बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। लिहाजा पीएम मोदी के सहारे भाजपा इस वर्ग को फिर लुभाने जा रही। तो सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जाहिर तौर पर इस वक्त तैयारियां जोर शोर से चल रही है, चुनावी नज़दीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कल सागर में वो आधारशिला रखेंगे, इसके बाद भी कई सारे आयोजन हैं जिनमें वो शामिल होंगे। सागर में 100 करोड़ रुपये की लागत से ये मंदिर, संत रविदास मंदिर, जिसका निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का कई मायनों में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, और क्योंकि दलित वोट बैंक एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर पार्टी लगातार काम कर रही है और दलितों को अपने साथ लाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद खास है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर दलित वोटर्स की आबादी जो है वो 22% है, यानी कि प्रदेश में कुल 17 से 18% आबादी या दलितों की है और 64 लाख दलित वोटर्स जिन्हें बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है इस चुनाव में अपनी जीत को प्रशस्त करने के लिए।